The world and our future generations can no longer wait. How much longer must they wait? We must push forward a reform, heeding the voices of the young and future generations. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बड़ा बयान दिया है। सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा के दौरान भारत की नेतृत्व क्षमता के बारे में बताया। रुचिरा ने कहा, सुरक्षा परिषद में सुधार अहम मामला। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सन 1990 के दशक की शुरुआत से इस पर चर्चा हो रही है। 2000 में मिलेनियम शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने सुरक्षा परिषद के सभी पहलुओं में व्यापक सुधार करने के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया था। करीब एक चौथाई सदी बीत चुकी है। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकती। Discussions on reform of the Security Council have been going on, as you well know, in earnest for well over a decade since the early 1990s. In addition, world leaders at the Millennium Summit in the year 2000 had resolved to intensify efforts to achieve a comprehensive reform of the Security Council in all its aspects. Nearly a quarter century has passed. The world and our future generations can no longer wait. How much longer must they wait? The Summit of the Future this September and the 80th anniversary of the United Nations next year are important milestones towards which we should aim to make concrete progress. We must push forward a reform, heeding the voices of the young and future generations, including from Africa, where the demand to correct historical injustice grows even stronger. Otherwise, we simply risk sending the council down the path of oblivion and irrelevance. भारतीय अधिकारी ने वैश्विक नेताओं को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, आखिर हमें और कितने समय तक इंतजार करना चाहिए? इस साल सितंबर में भविष्य का शिखर सम्मेलन और अगले साल संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ दोनों एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। उन आयोजनों को सफल बनाने के लिए हमें ठोस प्रगति करने का लक्ष्य रखना चाहिए। भारतीय अधिकारी ने कहा, हमें युवा और भावी पीढ़ियों की आवाज पर ध्यान देते हुए सुरक्षा परिषद में सुधारों को तेजी से लागू करना चाहिए, खासकर अफ्रीका और अन्य जगहों में जहां ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की मांग और तेज हुई है। सभी जगह खास ध्यान देने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम सभी सुरक्षा परिषद को गुमनामी के रास्ते पर भेजने की दिशा में कदम उठा लेंगे। कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में त्वरित सुधारों के लिए G4 मॉडल पेश किया। उसके बारे में बताते हुए रुचिरा ने कहा, UN में बदलाव की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए G4 मॉडल का प्रस्ताव है कि 6 स्थायी और 4 या 5 गैर स्थायी सदस्यों को जोड़कर सुरक्षा परिषद की सदस्यता को मौजूदा 15 से बढ़ाकर 25 किया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 अफ्रीकी देशों और 2 एशियाई देशों, 1 लैटिन अमेरिका और 1 कैरेबियन और पश्चिमी यूरोपीय देशों को स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल किया जाए। कंबोज ने कहा कि G4 मॉडल यह नहीं बताता कि कौन से देश नए स्थायी सदस्य होंगे, ये फैसला लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के जरिए महासभा ही करेगी। भारत ने अब और देरी को रोकने के लिए अपना रुख कड़ा किया है। गौरतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को भी भारत की परमानेंट सीट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले चीन इसमें अड़ंगा अड़ा रहा है। यूरोप के कई देश भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन करते हैं। अरबपति एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया है। जियोपॉलिटिक्स के जानकारों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में बदलाव की इसलिए जरूरत है क्योंकि 1945 में इसकी स्थापना उस समय के भू राजनीतिक के हिसाब से की गई थी। आज की मौजूदगी भूल राजनीति उस समय के हिसाब से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। 80 साल पहले उस दौर में मीडिया और सोशल मीडिया नहीं थे। दुनिया में गिने चुने अखबार हुआ करते थे। केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ही बड़ी ताकतें थी, लेकिन आज भारत, जर्मनी और जापान बीते कुछ दशक से वर्ल्ड प्लेयर बनकर उभरे हैं। सुरक्षा परिषद में शीत युद्ध के बाद से ही बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इसकी मांग भी हो रही है, लेकिन अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिली। इस समय सुरक्षा परिषद में यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जहां दुनिया की कुल आबादी के महज 5% लोग रहते हैं। जाहिर है ये सामाजिक न्यायों के सिद्धांत के खिलाफ है। अमेरिका और यूरोप के वर्चस्व से बाकी देशों में भले ही हीनता के भाव ना फैले, लेकिन वहां के लोगों में सुपीरियर होने का अहम और वहम दोनों मजबूत हो सकते हैं।
अमेरिका और यूरोप में भारत और एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ हो रही मामले यानी हेट क्राइम को भी आप इसी से जोड़कर देख सकते हैं। वहीं यूएन के इस सबसे अहम निकाय में अफ्रीकी देशों का कोई स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% काम अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित होता है। यही वजह है कि शनिवार को भारतीय अधिकारी रुचिरा कंबोज ने अफ्रीका की भागीदारी का मुद्दा भी उठाया। गौरतलब कि भारत अफ्रीका संघ को G20 में शामिल करने और वैश्विक नेतृत्व की झलक दुनिया को दिखा चुका है। दुनिया में शांति स्थापित करने वाले अभियानों में भी भारत अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन सुरक्षा परिषद के सदस्य भारत की भूमिका को अब तक नजरअंदाज करते आए हैं।